ओके <laughs> okay. थोड़ा सा ये बराबर करो

वही चीज हम लोग लो बच्चों में जाने वाले बच्चे हो सकते हैं कॉलेज के हो सकते हैं माओसी का लड़का माओसा का लड़का काकी का लड़का काका का लड़का नाना नानी चाचा चाची का लड़का कोई भी हो उनको सबको शेयर करना संजू भाव ये सेटिंग बराबर करो ये दिख रहा नहीं ना ये कट हो रहा है सब देखो ये कट हो रहा है चलो हमारे संजू को बिल्कुल बहुत ही बढ़िया काम करते रहते हैं लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है चलो तो स्टार्ट करते हैं यार उधर उधर से बात करने से अच्छा है कि मेजरमेंट में हम लोगों ने ऑलरेडी सेवन क्वांटिटीज देखी थी कितनी क्वांटिटीज सेवन क्वांटिटी लेंथ मास टाइम

तो इंग्लिश पढ़ाते जिनको ग्रामर पढ़ना है ग्रामर की लिस्ट है यहां पे अगर आप लोग ऐसा करोगे कैसे टाइप करोगे फिजिक्स है ना फिजिक्स ज्ञान ऐसे ही डालो मुकेश है ना बस इतना ही डाला तो चलेगा इंग्लिश ठीक है ग्रामर बराबर है ना सर ग्रामर ना ग्रामर प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट तो ये ग्रामर की पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार है और ये हमारे इंग्लिश के बादशाह है सर एक बार जाके देखोगे आप खुश हो जाओगे मैं गारंटी दे रहा हूं यार टोटल सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा ग्रामर हाँ। राइटिंग सब सब. सब तो वही बोल रहे हैं हम लोग कि एक बार जाके देखो पता लगेगा कि क्या आग लगाई सर ने ठीक है ना पूरी आग लगा के डालिए सर बच्चों को क्या क्या कवर किया एक बार बता दो ताकि बच्चे आपको राइटिंग स्किल टोटल मिल जाएगा उसके बाद में नोवेल सेक्शन है ग्रामर सेक्शन पोएट्री सेक्शन जितना भी बोर्ड का सिलेबस होता है वो हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन सा देना चाहता हूँ तो ट्वेल्थ में जाने के बाद नहीं कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स से टाइम नहीं मिलता, सर, नहीं, मिलता है? नहीं मिलता तो मैं चाहता हूँ यार कि आप लोग है ना अभी से पढ़ाई करो यस सर मेरा सजेशन कि यार अगर आप लोग अभी से करोगे तो श्योर शॉट में बोलता हूं आप लोगों को ट्वेल्थ में इंग्लिश की पढ़ाई करने का काम नहीं रहेगा नहीं बिल्कुल रहे। नहीं, नहीं तो नहीं अभी से करके अपना ग्रामर फिक्स हो जाएगा पक्का हो जाएगा यस yes. यस yes. क्या बोलते हैं साइंस पढ़ाओ सर टिल अबाउट द नोट्स नोट्स मैं भेजूंगा बेटा ये टेलीग्राम पे भेजूंगा मैं ठीक है ना तो डोंट वरी वॉल्यूम आवाज नहीं आ रहा है क्या अच्छा थोड़ा सा आवाज का अंदर प्रॉब्लम है संजू संजूबू देखो वो सेटिंग नहीं किए मेरे ख्याल से साउंड के लिए ओके बच्चों तो आप लोग अपनी पढ़ाई करो हम लोग नहीं, लो... नहीं दिए नहीं आज देने वाला बेटा आज देने वाला हूं ओके आ? क्या क्या ओके चलो तो सर तो थैंक यू तो 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 और तो सर अपने लिए भी काम कर रहे हैं इंग्लिश के पूरे पूरे लेक्चर सर एलोन के लिए भी क्योंकि सबसे ज्यादा एलोन की बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और वॉल्यूम बढ़ा दो वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा सा गेन करो चलिए फटक से और स्टार्ट करता हूं देखो यार यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोगों को दो सप्लीमेंट्री यूनिट है जैसे कि हम लोग नहीं किया यार पेपर लिखते हैं आंसर की आंसर शीट लिखने के बाद सर आंसर शीट खत्म हुआ तो क्या यूज किया जाता है लिखने के लिए यस तो वही है सर हम लोग पढ़ा रहे तो <laughs> ये सप्लीमेंट्री दो यूनिट से भाई। ठीक है सर ने बोल दिया कि एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल ये प्लेन एंगल क्या होता है देखो यार प्लेन एंगल में जैसे कि मैं यहां पे आपके हाथ में पेन दिया एक कागज का टुकड़ा दिया और आपको बोला भाई कि मुझे एक एंगल का निकालने के लिए डायग्राम निकालो तो आप ये ऐसे साठ एंगल निकालोगे मतलब एक तो, एक तो एकस इस्तेमाल कर रहे और दूसरी वाई एक्सिस मतलब यहां पे टू डी डायमेंशन के ऊपर निकाल सकते हैं आप लोग प्लेन एंगल हम लोग आप लोग जो निकालते मेजर करते वो प्लेन एंगल होता है सर सिंपल सी बात है ओके ये प्लेन एंगल गिनने का तरीका क्या है कुछ नहीं भैया एक सर्कल निकालो देखो मैं यहां पे अब भी सर्कल निकाल रहा हूं इस सर्कल का एक टुकड़ा लेके कट कर रहा हूं देखो एक रेडियस है ये यहां से इस पार्ट को कट किया ठीक है अब इस पार्ट को कट किया तो ऐसा दिखेगा आप लोगों को कैसे भी अगर इस बुक में ऐसा निकाला हो तो आपकी बुक के हिसाब से भी निकाल सकते तो ये पार्ट मैंने कट कर रहा हूं और यहां पे ऐसा ये सर्कम फ्रंस ऑफ सर्कल का एक टुकड़ा है छोटा सा भैया ये सर्कम ऑफ सर्कल है टुकड़ा है इसको आर्क बोलते हैं नाम तो सुना होगा गलती से क्यों ना हो आर्क ये इसकी रेडियस है भाई ये भी रेडियस है ये इसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, गॉट इट मुझे यही प्लेन एंगल निकालना है तो सीधी बात नो बकवास इसके लिए फार्मूला कैसे बनेगा तो इसका फार्मूला बताया गया है आर्क लेंथ क्या है ये आर्क लेंथ सर्कल की डिवाइडेड बाय रेडियस ये एंगल गिनने का फार्मूला शायद आप लोगों ने रेडियस एक मिनट है ना शायद आपने एट नाइन टेन क्लास में पढ़ा होगा एंगल गिनने का फार्मूला क्या बेटा आर्क की लेंथ ये आर्क कितनी जितना ज्यादा आर्क उतना रेडियस बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा डिवाइडेड बाय रेडियस तो आप लोगों को ये प्लेन एंगल मेजर करने का फार्मूला है और इसकी डिफाइन भी होती है इसकी क्या होती है बच्चों डिफाइन भी होती है डेफिनेशन कैसे बनाओगे तो द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ ऑफ सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल इसको क्या बोलेंगे प्लेन एंगल बोलो एक बार प्लेन एंगल इट डिफाइन द आर्क ड्रॉन द सर्कल टू द रेडियस ऑफ सर्कल यस बोल सकते क्या मेरी बात समझ में आ रही इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आर्क लेंथ को मैंने बोला डिवाइड बाय रेडियस कुछ लोग यस भी बोल सकते ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है बात को समझो लेंथ डिवाइड बाय रेडियस और इसका जो यूनिट है इसका जो यस्सा यूनिट है बच्चों, इसका यसा यूनिट होता है रेडियन, रेडियन देखो उसको लिखने का तरीका होता है रेड, आर डी ठीक है रेडियन एक इसका यूनिट है ओके जैसे कि लेन गिनने का आपको सब यूनिट पता है वैसे इसका भी एक यूनिट है बच्चों क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या आगे बढ़ सकता हूं बायोलॉजी चैनल नहीं है भाई नहीं बायोलॉजी के भी इसी चैनल पे लेक्चर आते हैं उनका भी लाइव लेने की कोशिश करते सर नहीं समझा एक्सप्लेनर बॉय चलो जिनको नहीं समझ में आ गया उनके लिए रिपीट कर रहा हूं मतलब जैसे कि हम लोग कागज पे एंगल निकालते हैं जो हम लोग मेजर करते वो प्लेन एंगल ही करते सॉलिड एंगल नहीं करते सॉलिड एंगल अगर इंजीनियरिंग में गलती से जाओगे तब इस्तेमाल किया जाता है अब यहां पे प्लेन एंगल गिनते कैसे ध्यान दीजिएगा कुछ ही नहीं बेटा एक सर्कल था एक सर्कल का एक टुकड़ा जैसे कि हम लोग नहीं क्या यार वो क्या बोलते पिज्जा खाते पिज्जा पिज्जे वाला पार्ट पिज्जा पिज्जा को उठा के एक टुकड़ा कर दिया इसमें उसको जूम कर दिया मतलब इस पिज्जा को उठा के यहां पे एक टुकड़ा ला लिया अब यहां पर एंगल था ठीठा ये रेडियस भी गया और ये आर इसको आर कहा जाता है तो एंगल गिरने का फार्मूला जो था वो था आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस अब आर क्या माने मैंने यस yes मानी है रेडियस आर है हो गया भैया फॉर्मूला आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस और इसकी डेफिनेशन भी ऐसी लिखी गई है कि रेडियस टू द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल और इसका यस मिनिट है ठीक है ना सर्कल का वर्कशॉप यूट्यूब पे डालो आ, नहीं बेटा यूट्यूब पे नहीं हो इधर था ना साउंड स्लो आ रहा है एक मिनट में चेक करता हूं please... आवाज तो अच्छी आ रही भाई आपके फोन की आवाज देखो यार कभी कभी होता है ऐसे एक मिनट में आप बताओ हेलो आप आवाज आ रही है क्या मेरी हेलो हेलो आप आवाज अच्छी आ रही है एक बार बोलो यार कमेंट में बताना है सर सर डेफिनेशन रिपीट करो ना लिखने दीजिए चलिए देखो इसको कैसे बेटा इसको पढ़ना आना चाहिए इसको पढ़ते आना चाहिए बस हो गया खत्म किस्सा कैसे बोलोगे प्लेन एंगल इज डिफाइन देखो इज डिफाइन एज ठीक है क्या लिखा था मैंने आर्क लेंथ आर्क लेंथ ऑफ सर्कल टू दी क्या लिखोगे रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ सर्कल इज़ कॉल्ड एज प्लेन एंगल लिख दे डिफाइन समझे इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे डी थीटा ये देखो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ये ऐसा लिखोगे तो डी थीटा आर्क लेंथ क्या माने हमने डी एस इस सिलेबस में और रेडियस आर मानिए हो गया फार्मूला तैयार इसका एस यूनिट क्या होगा तो एस यूनिट होगा बेटा इसका रेडियन क्या होगा रेडियन उसको आर रेडिय से सिंबॉलिकली लिखा जाता है हो गया कि नहीं खत्म लिख लो एक बार अच्छी तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूं फिर ठीक है बता सकते हाँ जी ओके okay, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं स्क्रीनशॉट निकाला होगा उम्मीद करता हूं ओके नेक्स्ट अब हम लोग देखने वाले बेटा सेम टू सेम जैसे प्लेन एंगल वैसे सॉलिड एंगल सॉलिड एंगल में क्या कर रहा है हम लोगों को अब लोग गोटी खेलते होंगे गोटी है ना हम लोग खेलते थे बचपन में खटाक से खेलते ऐसे गोटी आप लोग भी खेलते होंगे खेलते हैं ना वो पूरी भरे वाली रहती है अंदर से भी भरे वाली है वैसे ये भी भरे वाली भैया अब इसका नहीं क्या सेंटर से एक ऐसा पार्ट मैंने ऐसे जैसे कि हम लोग ऐसे चुरा के ला रहे उसके अंदर से या जैसे कि एक बात बोलू हमने केक है केक केक गोल बना तो उसका एक टुकड़ा ऐसा निकाल सकते या तरबूज खाते होंगे आप लोग तरबूज तो खाते होंगे उसका एक टुकड़ा ऐसे चुरा के ला लिया सेम टू सेम यहां पे जो सॉलिड एंगल है कौन सा बेटा है ना सॉलिड एंगल है वो सॉलिड एंगल है हम लोगों ने डी ऐसा दिखाया तो इसका कैसे फॉर्मूला बनेगा चेंज इन एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर पहले क्या था बेटा यहां पे डी थीटा का आर्क लेंथ डी एस बाय आर ये लेंथ थी अब इसका एरिया लेना पड़ेगा इसका एरिया कितना कवर किया है? है ना अगर स्पीयर का एरिया देखा जाए तो वो होता है फोर पा स्क्वायर जिनको फॉर्मूला याद नहीं है सॉलिड स्पीयर का एरिया फोर आर स्क्वायर थोड़ा फास्ट पढ़ाना है ओके फोर स्क्वायर बात समझ में आ रही बेटा ये आर स्क्वायर ये किसका बेटा है ना सॉलिड स्पियर का एरिया कौन सा सॉलिड स्पियर का जो एरिया है मेरे पास उसका फार्मूला बेटा फोर पाएर समझे फोर पाई आर, फोर पाई आर ये आर है तो आर स्क्र आर स्क्वेर कैंसल तो इसका सॉलिड का जो भी है यहां 4 फोर पाई ये रहता है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा सर ऐसा यूनिट जो होगा वो होगा स्टे रेडियन, रेडियन, स्टे ठीक है ये इसका ऐसा यूनिट है सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है अब कोई बोलता है स्लो पढ़ाओ बेटा हम लोग ये तो चीज सबसे मेन सॉलिड एंगल कभी मेजर नहीं करते हैं तो रियल लाइफ में क्या एग्जांपल दे सकता हूं ये इंजीनियरिंग जब करोगे तब यूज आने वाली चीज है फिलहाल में आने वाली नहीं सर आप हमारे पर्टिकुलर टॉपिक पर एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन भी करो ओके ओके पीडीएफ मिलेगा बेटा सर डी ए कैसे आ गया डी ए इज द एरिया। एरिया इसका फॉर्मूला है बेटा क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं सॉलिड स्पियर का एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जैसे इसका कैसा है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस इसका स्फीयर ऑफ एरिया डिवाइड रेशो मतलब सॉलिड एंगल ठीक है सॉलिड एंगल समझ में आ रहा बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हम लोग यूज करते नहीं है ये यूज करते हैं क्या नहीं करते बच्चों ठीक है तो भी बता रहा हूं ये सरफेस एरिया जो भी एरिया होगा हमारा सॉलिड स्पीयर का एरिया पर यूनिट या टू स्क्वेयर ऑफ रेडियस और सॉलिड स्पीयर का जो एरिया आपने मैं नाम का चैप्टर पढ़ा होगा फार्मूला है फोर पाई आर स्क्वेयर एक बार समझ में आए तो थम्सअप करो यार डेफिनेशन बता रहा हूं ना बेटा यहां पे डेफिनेशन बता दिए मैंने यहां पे ठीक है क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं आगे बढ़ सकता हूं चलिए आगे बढ़ता हूं डेफिनेशन इसी की लिखनी होती है बेटा इज डिफाइन एज ऐसे लिख सकते हैं ना इज डिफाइन एज ये क्या बेटा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्पीयर ऐसा लिखो नहीं तो सरफेस इरा ऑफ सॉलिड स्पीयर टू स्क्वेयर ऑफ टू स्क्वेर ऑफ रेडियस ऑफ सॉलिड स्पीय ऑफ सॉलिड स्पियर ठीक है हो गया इज कॉल्ड एज द सॉलिड एंगल इसको क्या बोलेंगे सॉलिड एंगल बढ़ना आगे बेटा नोट्स प्रोवाइड होंगी आज के लेक्चर के ठीक है बेटा आप समझ में आया होगा देखो बेटा अगर आपको डिफाइन नहीं याद है तो करो मैं बोल रहा हूं यहां पे डिफाइन करना पड़ेगी आपको आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ जी हम लोगों को ये यूज ऑफ यूनिट यूज करना चाहते हो तो कुछ रूल्स होते कुछ वसूल होते हैं इसको फॉलो करना पड़ता है हमारे मन से नहीं लिख सकते ठीक है ना इसके लिए कुछ चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारी ठीक है ये आपको अगर यूनिट इस्तेमाल करना है जैसे कि मैंने लिखा मीटर तो मैं कैपिटल लिख सकता हूं क्या ये पूछना पड़ेगा ना एक बार आपको समझे क्या आप मतलब आपको मैंने बोला कि मीटर लिखो तो यहां पे मीटर ऐसा लिखना चाहिए क्या या हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या या मीटर के लिए कैपिटल एम इस्तेमाल करो या स्मॉल इस्तेमाल करो इसके लिए कुछ रूल्स है ऐसा नहीं है हम हमारे दिमाग से नहीं इस्तेमाल कर सकते बायोलॉजी क्लास कौन ये संगा बेटा इसी चैनल पे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे आपको मिल जाएंगे बायोलॉजी के मैं टीचर से बात करता हूँ ऑलरेडी अपने पास टीचर है बायोलॉजी के कृष्णा सर पढ़ाते हैं मैं बात करता हूँ आपको बताता हूँ ये बात समझ में आ रही है चलो तो स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ वेरी एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कभी भी यूनिट लिखना है तो सिंबल यूज करो मीटर यूज करने की जरूरत नहीं है सर ऐसा मत लिखना मीटर नहीं लिखना चाहिए कैसे सही होगा स्मॉल मीटर होगा है ना यहां पे किलोग्राम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं किलोग्राम ऐसे इस्तेमाल करोगे क्या नहीं क्या करोगे फिर के जी करोगे समझ में आ रहा है ओके मतलब हमेशा हम लोग सिंबल ये आपके लिए राइट होगा ये इस्तेमाल नहीं करना है नंबर वन नंबर टू फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर स्मॉलर लेटर इवन द नेम इज आफ्टर पर्सन जैसे कि अगर आपको यहां पे न्यूटन लिखना है तो वन न्यूटन कैसे लिखोगे कैपिटल लेटर में नहीं लिखोगे वन न्यूटन अगर नाम इस्तेमाल करेंगे तो वन न्यूटन बराबर है स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है मैं ऐसा नहीं लिख सकता वन न्यूटन ऐसा लिख सकता हूं क्या भाई ये रॉन्ग होगा सही मेथड ये ही ठीक है नाम पूरा लिखना है तो नाम लिखने की जरूरत पड़े तो ठीक है या वन जूल ऐसा लिखना चाहिए बट सिंबल फॉर यूनिट नेम आफ्टर द पर्सन शुड बी कैपिटल लेटर होना चाहिए जैसे मैंने बोला दो न्यूटन लिखना है तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल करोगे दो न्यूटन या आपको लिखना है भैया फाइव जूल लिखना है तो कैपिटल लेटर लिखोगे अगर सिंबल साइंटिस्ट लोगों का लिख जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है जूल एक साइंटिस्ट का नाम है भैया जूल जी नाम सुना होगा एम्पियर नाम सुना होगा पास्कल नाम सुना होगा ये साइंटिस्ट के जब जब नाम आएंगे तब उनका यूनिट का सिंबल कैपिटल लेटर में होना चाहिए जब आप लोग साइंटिस्ट के नाम हो तो स्मॉल लेटर में होना चाहिए पूरा नाम लिख रहे हैं न्यूटन एन ई डब्ल्यू टी ओ एन लिखते हो तो या उनका सिंबल लिखना है ओनली ऐसे टाइम पे आप लोगों को उसका सिंबल कैपिटल लेटर में होना चाहिए जैसे दो न्यूटन कैपिटल एन इस्तेमाल किया बाई जूल जे कैपिटल इस्तेमाल किया सिंबल फॉर यूनिट डज नॉट टेक द प्यूरल फॉर्म में नहीं कर सकते फाइव यू 25 फाइव यस yes, नहीं लगाना है क्यों लिख रहे भैया एक ही है ना न्यूटन का मतलब ये हो जाएगा अगर यस yes, लगाया होगा तो बोल रहा हूं मैं आपने ये ट्वेंटी न्यूटन मतलब ये 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन बहुत बार होगा गलत है यस yes, नहीं लगाना चाहिए प्युरल फॉर्म में नहीं लिख सकते तो कैसे लिखना चाहिए ट्वेंटी न्यूटन है ना या ट्वेंटी जूल ऐसे लिखना चाहिए इसको फॉर्म में मत लिखना गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा समझ में आ रहा है ऑल इज वेल बेटा अगर समझ में आया तो एक बार थम्सअप करो यार हो कर लॉगआउट ओके बात समझ में आ रही बच्चों सिंबल फॉर यूनिट डज नॉट अ प्यूरल प्यूरल फॉर्म में नहीं लिखना है प्यूरल फॉर्म में नहीं लिखना है ओके कन्वर्जन ऑफ यूनिट आएगा आएगा बेटा चलिए नेक्स्ट है सिंबल फॉर यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप एट एंड ऑफ रिकमेंडेशन लेटर मतलब कभी भी ऐसा नहीं कर रहा कुछ लोगों को आदत होती है लिख दिया क्या 25 न्यूटन फुल स्टॉप दिया क्यों दे रहे भाई क्या काम है क्या इसका बिल्कुल नहीं है गलत है इसका मतलब हाँ रिपीट करता हो बेटा रिपीट जिनको करना है करता हो ऐसा नहीं करना चाहिए यहां ऐसा नहीं लिखना चाहिए फिफ्टी ट्वेंटी फाइव न्यूटन डबल इन्वेटेड कॉमा बिना काम के लेटर इस्तेमाल मत करो लो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टॉप कॉमा करली ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्यों ही इस्तेमाल करते करना नहीं चाहिए हम लोग करते ऐसे अक्सर हम लोगों को लगता है कि देखो मैं कितना अच्छा लिख रहा हूं सर नहीं वो अच्छा नहीं बुरा है भाई। तेरे मार्क चले जाएंगे। आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्मार्ट वर्क कर रहा हूं नहीं नहीं, नहीं। स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे आप लोग आप कहीं ना कहीं आपके नंबर्स कम हो रहे कुछ बच्चे रिपीट बोल रहे हैं आई विल रिपीट सबसे पहले पूरा यूनिट का नाम नहीं लिखना चाहिए किलोग्राम ऐसे नहीं लिखना चाहिए या मीटर नहीं लिखना चाहिए लिखना है हमको उसका सिंबल पहला इसमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए बेटा किलोग्राम लिखना नहीं चाहिए किलोग्राम नहीं लिखेंगे कैसे लिखेंगे के जी करेक्ट कौन सा है ये ये रॉन्ग है नंबर वन बोला ठीक है दूसरे टाइम पे बेटा फुल नेम ऑफ यूनिट अगर कोई यूनिट का पूरा नाम लिखना है कोई साइंटिस्ट का नाम हो तो आपको स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए जैसे कि ये देखो यंग कैपिटल यंग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए न्यूटन ऐसा नहीं लिख सकते ये रॉन्ग है ये करेक्ट है भाई समझे ओके लेकिन जब सिंबल लिखोगे तब कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता है जैसे साइंटिस्ट का नाम हो तो बाकी नहीं ओनली साइंटिस्ट का नाम है तब कैपिटल लेटर लिखने का आपका हक हाँ है जैसे कि एग्जाम्पल पे टू न्यूटन जूल कैपिटल लेटर लिखा है मैंने सिंबल सिंबल साइंटिस्ट के नाम है ना ये थर्ड था मेरा इसको प्यूरल फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए न्यूटन्स यस yes, नहीं लगाना चाहिए जैसे कि ट्वेंटी न्यूटन्स रॉन्ग भैया कैसे लिखना चाहिए था ट्वेंटी न्यूटन ओनली ट्वेंटी कैपिटल खत्म हिस्सा या 25 जूल्स यस मत इस्तेमाल करो यस करने की जरूरत नहीं थी ओनली 25 जूल होना चाहिए था ओके तीन चार नंबर पे बेटा बिना काम के लेटर मत इस्तेमाल करना फुल स्टॉप हो करली ब्रैकेट हो ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई सर रिपीट मत कीजिए जिनको समझ नहीं आएगा वो वापस देख लेंगे लाइव स्ट्रीम यस करेक्ट है बेटा ये भी बात सही है ध्यान देना तो बहुत जरूरी है ओके आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट हमारे पास है fifth और देखो क्या है। हम लोग ये इस्तेमाल ये भूल है इस्तेमाल करना पड़ेंगे हम लोगों को। देखो ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उनका कहना है कि देखो एक्सरलेशन क्या है देखो मैं बोल देता हूं एक्सरलेशन क्या बेटा अपॉन टाइम फार्मूला है अब वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट है मीटर टाइम है सेकंड समझे तो इसको मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है टाइम का सेकंड ये ऐसा लिखना गलत होगा देखो ना वेलोसिटी का यूनिट क्या है यार डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड लिख दिया टाइम का सेकंड ये लिखना गलत होगा फिर सही तरीका क्या है उनका कहना था कि मीटर ये सेकंड डिवाइड बाय मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सेकंड ऐसा लिखना चाहिए ये हमारे लिए करेक्ट है और ये था हमारे लिए ये गलत था या कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको मीटर सेकंड का पावर जो है डिवाइड है प्लस था ऊपर जाने से माइनस लिख सकते मतलब ये भी सही है और ये भी सही है क्या ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ये पॉइंट समझ में आ गया ओके okay, सिंपल है उनका कहना है डिनोमीटर न्यूमोनेटर और डिनोमीटर शुड बी रिटर्न एज द रेशो कैसे होना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वेयर या मीटर सेकंड स्क्वेयर है यूनिवर्स है बेटा ये लिख सकते है. ऐसा नहीं लिखना चाहिए डिवाइड का डिवाइड नहीं रखना चाहिए समझे क्या समझ में आ गया कोई टेंशन नहीं होगा टेंशन तो दे दो अटेंशन अरे भाई हिंदी बोलो हिंदी तो बोल रहा हूं ना रितेश चलिए बढ़ना नेक्स्ट नंबर का पॉइंट देखो सिक्स नंबर का पॉइंट क्या बोलता है यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड सिंबल फॉर यूनिट अवॉइड देन द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस बाय कॉम्बिनेशन मतलब जब जब आप लोग लिखोगे जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर वाला कोई तो एक एग्जाम्पल है ठीक है कोई टेंशन मत लेना है किसका यूनिट है बाद में देखेंगे है है ना जूल पर के जी, के ठीक है? ये सब इस्तेमाल किए मैंने जब सिंबल किए तो सिंबॉल ही करो ना इसमें ऐसा मत करना कि जूल को जूल का स्पेलिंग मत लिखना जूल का ये है ना जूल का स्पेलिंग लिख के केजी जीव ऐसा मत करना भैया ये पूरा नाम लिख रहे हैं ना आप लोग ये सिंबल है पूरे सिंबल ही इस्तेमाल करो जूल के जी है ना जूल पर के जी के ये करना, जूल, का नाम पूरा मत लिखना ये गलत हो जाएगा ओके okay? मतलब मैं बोल रहा हूं यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट यूनिट इज अवॉइडेड द फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस द कॉम्बिनेशन मतलब नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए साइंटिस्ट का नाम कोई भी अगर आप लोग सिंबॉल लिख रहे हैं तो बीच में उसका पूरा नेम मत लाना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेवन नंबर पे देखो हम लोगों को यहां पे अपरफिक्स सिंबल यूज बीफॉर द सिंबल ऑफ द यूनिट मतलब यूनिट लिख रहे हो ना अगर कोई परफिक्स हो जैसे कि आपने नाम सुना होगा यार माइनस रहा तो इसको क्या बोलते टेन रेस टू माइनस टू को क्या बोलते माइनस थ्री बताओ माइनस सिक्स माइनस नाइन माइनस ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन कोई मुझे बताएगा इसको क्या बोलते कोई बताएगा कमेंट में मैं रहा देख रहा हूं मराठी बोला बाबा पाटिल बगा अपन का ये लेक्चर भेज देना हाँ बेटा ऋतु ऋषिकेश मराठी बोलते रे, का है और इतने बच्चे सारे आते लाइक नहीं मारते अच्छा नहीं लगता यार एक सौ बयालीस हमारे लाही भगवान बचा ले रे बाबा ऐसे बच्चे से एक बार बचा ले रे भाई और भाई लाइक तो मारो दुआ लगेगी मेरी लाइक तो मारो दुआ मिलेगी दुआ हाँ जी चलिए तो यहाँ पे रेस्टू माइनस वन टेन रेस्टू माइनस टू माइनस थ्री माइनस सिक्स इसको क्या बोलते हैं मैं जवाब क्या रहा देख रहा हूं कितने बच्चे मिली बोलते हैं टेन टू पावर वन माइनस बोलो क्या बोलते हैं इनवर्स घातांक अरे भगवान चलो यार देखो इसको डेसी मीटर ये सेंटी मैं लेंथ की बात कर रहा हूं ना सेंटीमीटर ये मिली मीटर ये माइक्रो मीटर पता होना चाहिए बच्चों ये नैनोमीटर ये मीटर और ये फेंटोमीटर क्या आपको याद है मेरे भाई लोगों को सैटरडे का नोट्स भी दे दो ना प्लीज हाँ देता हूं ना बढ़िया पहले पढ़ाने तो दो क्या यह आपको पता है डेसी सेंटी मिली माइक्रो माइनस सिक्स माइनस नाइन को नैनो माइनस ट्वेल्व को पिको माइनस फिफ्टीन को, को फेमटो और टेन डे टीन में माइनस नहीं एटो बोलते और बाद में झेटो होता है ठीक है ना क्या यह बात समझ में आ रही है ये बात समझ में आई होगी तो मुझे एक बार थम्सअप चाहिए अरे भावडा ना फुकटता है एकदम थम्सअप करा मला कलू दिया तुम्हारा कल दो मनोन चलो आगे बढ़ता हूं हाँ जी ये बात समझ में आ रही है ये हम लोग क्या कर रहे परफिक्स देना है तो देखो यहां पे लिखने का जैसे कि मिली रहा मिली मीटर ऐसे लिखते यहां पे माइक्रो मीटर मीटर यूनिट है ये परफिक्स है बेटा ये टेन डेस टू का है ना यहाँ पे नैनो मीटर ये पीको मीटर ऐसा लिखा जाता है समझ में आ रहा है कि आपको तो बिफोर सिंबल यूनिट के पहले सिंबल लिखेंगे मीटर लेंथ लिए थी मीटर था ये माइनस थ्री तो इसको कैसे लिखोगे वन मिली मीटर लिखोगे ये यम मिली के लिए यम मीटर के लिए अगर माइनस सिक्स हो माइनस सिक्स मीटर लिखा हो तो वन माइक्रो मीटर देखो ये मीटर है इस मीटर के पहले परफिक्स लिखा है मैंने हा या ना यार हा या नार हा या ना नहीं बेटा सुपर पोजिशन वो सबसे इजी चैप्टर मेरे ख्याल से हाँ जी चलो तो मैं पढ़ा रहा हूं ये परफेक्ट सिंबॉल एंड यूनिट सिंबॉल कंस्टिट्यूट द न्यू सिंबॉल फॉर यूनिट रेस टू द पॉजिटिव और निगेटिव वाली के लिए होगा आप पॉजिटिव ही नंबर हो सकते हैं निगेटिव है हो सकता है देखो एक मिली सेकंड लिखा है मिली सेकंड लिखा कैसे है देखो सेकंड ये यूनिट है बेटा और ये मिली मतलब माइनस थ्री है समझे क्या एक सेकंड जो है ये यूनिट है और माइनस थ्री मतलब आपको पता ये मीटर के लिए लिखा था उन्होंने टाइम के लिए लिखा है तो ये टेन रेस टू माइनस थ्री होगा माइक्रो सेकंड है ये सेकंड यूनिट है और ये परफिक्स है टेन रेस टू माइनस सिक्स का जैसे कि नैनो सेकंड माइनस नाइन ये एसआई यूनिट है आपका यूज ऑफ आप डबल परफिक्स इज अवॉइडेड हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि जैसे कि आपको लगेगा मैं इसको कट कर रहा हूं पहले लिख के लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं बच्चों ऑटोमीटर यस लिख सकते हैं ना अमित करेक्ट बोला अपली टेन टू टू थ्री किलो मेगा हा वह भी लिख सकते हैं वो लिए अगर आपको यह समझ में आया है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं स्क्रीनशॉट निकालो इसकी हाँ जी हां जी चलिए अब ध्यान से देखना बच्चों ध्यान से देखना बहुत जरूरी है क्यों जरूरी मैं बताऊंगा अब यहां पे ऐसा लिखना अवॉइड करो नहीं तो बद लगेगी भैया मेरी कैसे सर देखो ये माइनस सिक्स मीटर था तो इसको ऐसे लिख सकते हम लोग वन माइक्रोमीटर या सेकंड भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस थ्री टेन रेड टू माइनस थ्री मीटर अरे एक ही मतलब होता है अगर बेस सेम हो तो पावर की एडिशन टेन टू माइनस सिक्स मीटर लिख सकता हूं क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों माइनस सिक्स को टेन टू माइनस थ्री मल्टीप्लाई टेन टू माइनस थ्री अगर मल्टीप्लीकेशन हो और बेस सेम है, दस 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 टेन बेस सेम है तो पावर की एडिशन थ्री प्लस थ्री माइनस सिक्स ये इंडेस नाम का एक रूल है राहुल कहता सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग क्या नहीं हो रहा है थैंक यू भूषण राहुल क्या समझ में नहीं आया कॉल मिस एक बात बोलता हूं देखो बेटा सिंपल है अगर आपको शायद क्या हुआ मालूम है क्या इस बैच का एक नंबर समझता है ओके okay, देखो सर आई एम नॉट अंडर देखो यार एक बात बोलता हूं सीधी सीधी बातें थोड़ा सा देखो कब समझ में आएगा हंड्रेड परसेंट कॉन्सेंट्रेशन हो पहले दिन दूसरे दिन नहीं समझ में आता धीमे धीमे हम लोग ट्रैक पे आते ट्रैक पे आना है तो समय लगेगा ऐसा नहीं होता है छु मत्तर बोल दिया और समझ में आएगा कभी कभी क्या होता है धीमे धीमे चीजें समझ में आती है एकदम से नहीं आता बेटा

इस माइनस सिक्स को मैंने क्या क्या ध्यान से देखना बेटा टेन डे टू माइनस थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लीकेशन बेस सेम है टेन 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 देखो टेन टेन तो टेन लिखा अगर बेस सेम रहा मल्टीप्लीकेशन रहा तो पावर की एडिशन करते। माइनस सिक्स कैसे आएगा? माइनस थ्री प्लस माइनस थ्री माइनस सिक्स समझे आप अब इनका कहना भैया माइनस थ्री को आपने बोला है माइनस थ्री को मिलीमीटर मिलीमीटर बोला है कि नहीं तो यहां पे मिली यहां पे मिली ये एक मिली तो ऐसे मत लिखना गलती से कि मिली 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 नहीं लिख सकते जैसे यहां पे लिखा है उलेट मिली मिली सेकंड अगर ये मिली सेकंड ये मीटर है इसलिए लिख रहा हूं सेकंड रहता तो तो अलग बात रहती समझे क्या तो ये बात को समझना ऐसे नहीं लिख सकते डबल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो इसको डायरेक्टली कैसे पढ़ना चाहिए इसको माइक्रो ही पढ़ना चाहिए वन माइक्रोमीटर माइक्रो का मतलब ही होता है टेंड एस टू माइनस सिक्स समझे बेटा हाँ डायमेंशन बहुत सुमित शुक्ला ये बात सही कर आप। रहे आप पावर पॉजिटिव रहेगा तो टेंस हा टेंस टू करेक्ट है अंकित चलिए बढ़ना आगे सिंपल सिंपल चीजें आप लोगों को पकड़ना पकड़ेगी डबल नहीं लिखना चाहिए चलो आगे बढ़ता हूं हाँ जी स्पेस और हमेशा देना और हाइपन मस्ट बी इंट्रोड्यूस करना चाहिए इंडिकेटिंग जब आप लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू यूनिट्स हो जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं अगर आपके पास मीटर पर सेकंड है यह तो v का स्पीड का या वेलासिटी का यूनिट है इसको एक तो ऐसा लिखो या और में ऐसा लिख सकते हैं मीटर पेस देना है सेकंड का इन्वर्स। थोड़ा सा अंतर लिखना है देखो बीच में जगह छोड़िए मैंने या आप लोग इसका ये जो है हाइफ़न है, मतलब क्या करते है? देखो यहां पे मिली सेकंड या मीटर पर सेकंड कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है वो अलग रहता है देखो Osionfish. एक तो ऐसा लिखना चाहिए था या और में ऐसा भी लिख सकते मीटर सेकंड इनवर्स ये भी सही है एक तो पेज देना देखो ये पेज दे दिया मैंने ठीक है या हाइफन देना चाहिए हाइफन बोलते इसको हाइफन बोलते इसको ठीक है इसको ऐसा कभी ये करेक्ट है बेटा ये लिखना करेक्ट है ये लिखना करेक्ट है ये लिखना करेक्ट है ओनली मीटर सेकंड इनवर्स मत लिखना लगा के मत लिखना ऐसे इसको चिपकाओ मत अब चिपकाने से होता क्या बेटा चिपकाने से इसका मतलब होगा रीड करेंगे मिली सेकंड कैसे करेंगे आप लोग मिली सेकंड करोगे तो ये चिपका के रहा तो मिली सेकंड अगर पेश रहा तो मीटर पर सेकंड पढ़ोगे। मीटर है ना पर सेकंड पढ़ोगे ये फर्क होता है या इसको भी ऐसे ही पढ़ते हैं ये पढ़ने का तरीका बता रहा हूं क्या बात समझ में आ रही भाई साहब सर आप कौन से मिलिट्री कॉलेज में पढ़ाते हो बेटा यहां पे राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री कॉलेज औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगाबाद में मैं पढ़ाता हूँ वहां पे लेक्चर जूनियर लेक्चरर ठीक है वहां पे मैं लेक्चरर हूं वहां पे पढ़ाता हूँ मैं ठीक है ना ये बात आपको पता नहीं ठीक है चलिए बढ़ना आगे चलो तो आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा यहां पे मेजरमेंट ऑफ द लेंथ लेंथ का सभी को यूनिट पता होगा लेंथ का यूनिट पता है लेंथ गिनते हैं इसका लेंथ का यसा यूनिट होगा बेटा क्या मीटर यसा यूनिट क्या है बेटा मीटर है इसको सिंबॉलिकली स्मॉल एम से लिख सकते हैं अब ये मीटर गिनने का यह टेक्निक कहाँ से आ गया सर कैसे मेजर करते थे लीड इसका यूएसआई यूनिट मीटर है ठीक है देखो यार कुछ चीजें होती है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ती है देखो द स्टैंडर्ड फॉर द मीटर ये कहाँ से गिनते देखो वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय एटम क्रिप्टोन नाम का एक, एक एटम था उसमें से कुछ वेवलेंथ ऐसे बाहर आ रही थी और वो किसकी वेवलेंथ था ऑरेंज रेड लाइट बाहर आ रही थी इसकी जो वेवलेंथ है उससे हम लोगों ने इसको एक मीटर है ऐसा बोला था ये मीटर है बोला ऐसा बोला गया था लेकिन ये कुछ टेक्निक इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं लेकिन उसके बाद में न्यू टेक्निक आ गई और ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय द लाइट इन वैक्यूम मतलब हम लोगों ने एक पाथ है उस पर हमारी जो कि मीटर मतलब क्या है तो लेंथ ऑफ है है लेंथ ऑफ ट्रैवल बाय लाइट है जो लाइट लाइट ये वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है कितने टाइम पे ये जो टाइम है बेटा वन डिवाइडेड बाय टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट सेकंड इतने सेकंड में जब ये जो लाइट है हमारी ट्रैवल होती है इतने सेकंड के लिए तब वो जो अंतर है उसको हमने मीटर बोला है उसको क्या बोला बेटा मीटर और ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है ठीक है अब आप लोगों का बेटा ये क्यों होता है क्या होता है इससे टेंशन मत लेना क्योंकि हम लोग तो सीधा सीधा लेंथ मेजर करना है तो मीटर बोलते हैं पता होना चाहिए ओरिजिनलिटी क्या है क्या ओरिजिनलिटी है मीटर ये एक लेंथ बेटा क्या है लेंथ है ये पाथ ट्रैवल बाय लाइट जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है वो क्या कर रही है लाइट ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में ड्यूरिंग कितने टाइम में वन बाय टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट सेकंड में जो लाइट ट्रैवल करे उसको एक मीटर कहा इसको मीटर कहा जाता है इसको क्या बोला जाता है मीटर कहा जाता है सर हाक्स भी लेने वाला बेटा समझे सर लाइट ईयर क्या है वही बोल रहा हूं लाइट ईयर क्या है लाइट ईयर ये हम लोग आगे देखने वाले बेटा ठीक है लाइट ईयर एक डिस्टेंस मेजर करने का मतलब एक डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है ठीक है ओके okay. अब ये मेजरमेंट है और लेंथ दी वाली है कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए आर से प्लूटो कितना दूर है तो उसकी लेंथ मीटर में दी गई है है ना हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट की दी दी है 9 10 जो भी दी होगी देख लेना रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना है बहुत छोटा वन इंटू टेन माइनस फिफ्टीन मीटर फेमटोमीटर भी बोलते हैं रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आइटम दिया है तो ये लेंथ मेजर करने का एस एम गडीट हो गया ओके चलो आगे बढ़ते हैं आप लोग इससे टेंशन मत लीजिए ओनली समझ के लेना है ये कोई हम लोगों को एग्जाम में ज्यादा पूछने के चांसेस नहीं होते आपको यूनिट और डायमेंशन और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं इससे मतलब है चिकू क्या बोल रहा है बेटा चलो हां जी समझ में आ गया अब मेजरमेंट ऑफ द लार्ज डिस्टेंस लेंथ गिन रहे देखो हमने बेसिकली गॉस नाम के साइंटिस्ट बोला था 1832 में 1832 में गॉस नाम के साइंटिस्ट ने बेसिक तीन क्वांटिटीज होती बोली थी लेंथ मास टाइम क्या बोला मैंने लेंथ मास टाइम तो हम लोग पहले लेंथ गिनेंगे बाद में मास और टाइम गिनेंगे ठीक है कैसे मेजर किया गया था पैरलेक्स मेथड में देखने वाले बेटा हम लोगों को लार्ज डिस्टेंस देखना है तो कैसे गिना जाता है ये पैरलेक्स मेथड है ये पैरलेक्स मेथड क्या है सर बहुत जैसे कि सन से आर से सन का अंतर गिन रहे आर से मुन का आर से प्लूटो का अंतर गिनना है तो क्या मेथड क्या है देखो यार मार्कर को सामने रखा है है ऐसे ठीक रखो अब ये आग बन करके देखो आपको यहां दिखाई दे रहा अब ये ओपन करके इसको बंद करके देखो इसकी पोजिशन कहीं ना कहीं चेंज होती है देख लेना आप लोग भी देखो आंख मारनी नहीं भैया ठीक है आंख का उपयोग सही तरीके से करो <laughs> ये मार्कर है ऐसा देख रहा हूं मुझे ये दिख रही है ठीक अब यहां से करोगे तो ये इधर हिलेगा इधर करोगे तो इधर दिखेगा थोड़ा सा ठीक है तो ये क्या कर रहा है चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर मैं ऑब्जर्वर हूं ये पोजिशन चेंज कर रहा है पोजिशन क्या कर रहा है चेंज कर रहा है तो क्या होगा ये डायग्राम देखो पैरलेक्स मेथड डिस्टेंस निकालना है तो. तो सिंपल सी बात है कि इस पोजीशन पे पी पोजीशन पे वो चीज और मैं है मेरी पहले एक बार ये थी और दूसरी टाइम थी मेरी यहां पे ये 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 सेंटर मेरा और ये पूरा एंगल बेटा थीटा ठीक है इसका निकालने का जो तरीका होगा वो मुझे पहले तो एक तो ये डिस्टेंस निकालना है डी बोलो जो भी बोलना है ठीक है ना तो ये कैसे निकालोगे तो हम लोगों ने जैसे थीटा गिना था तो डी हम लोगों ने इसमें कौनसिलेस को क्या माना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा है ना या जो भी माना होगा देख लेना तो ये जो फार्मूला है तो यहां पे ये जो है इसको ई वन ई टू बोलेंगे ई वन ई टू देखो अपोजिट ई साइड एंगल की ठीक है बेटा और इसका जो डिस्टेंस माना होगा मैं डी मानूंगा इसको ठीक है तो इस तरीके से हम लोग इसका डी निकालना है तो डी भी निकाल सकते हो या थीटा एंगल भी निकाल सकते हो तो ई वन ई टू थीटा बाई भी मान सकते हो तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं वहां का जैसे कि यहां पे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि मैं गिनना चाहता हूं क्या कि यार कोई सन एक सन है हमारा ये आर्थ है आर्थ के दो पॉइंट पे मुझे खड़ा रहना पड़ेगा जैसे कि ये है एक ए पोजीशन पे एक बंदा दूसरा बंदा बी पोजिशन पे है ये इसकी डायमीटर जैसी लग रही है है ना ये आर्थ है तो इसको बी बोलना है बेटा ये सन है मेरा ये सन का अंतर निकालना है आर्थ से तो मैं क्या करूंगा उसको यहां से देखा मैंने ठीक है यहां से देख रहा हूं अब यहां से देख रहा हूं टेलीस्कोप लगाया मैंने टेलीस्कोप लगाते पता है ना आपको टेलीस्कोप तो नाम सुना होगा ठीक है ये सेंटर से डिस्टेंस है ये एंगल है मेरा पूरा ठीठा बेटा ए से सन का जो अंतर है वो डी है यहां से जो अंतर होगा वही यहां से होगा सही है बेटा सही है हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं तो थीटा का फार्मूला ये जैसे आर्क लग रहा है आर्क जैसे लग रहा है ना थोड़ा सा तो आर्क लेंथ मेरे पास भी डिवाइडेड बाय ये रेडियस अगर उसको मैं सर्कल ऐसे बना दो तो ऐसा लग रहा है ना बेटा अरे ये क्या आ गया भाई हा तो सर्कल जैसे लगेगा ना हम लोगों को चलो दोबारा निकालना पड़ेगा यहां पर अरे मिनट हां आ गया तो ये जो है बेटा यहां इसको स्मॉल बी बोला है ये सन है मेरा क्या बेटा सन है ये डिस्टेंस डी डी यहां से सेंटर से ये ये एंगल थीटा बन रहा है यस ये ऐसा फील आएगा कि नहीं ये सर्कल जैसा है बोल के सर्कल है बोल के आएगा कि नहीं भैया ये फील तो आ रहा है ना आपको या ये बहुत ज्यादा हो गया क्या ठीक है यार ये गलत लग रहा है मुझे एक मिनट एक मिनट ऐसे नहीं लिख सकते ठीक है ओके हाँ ये ऐसा होना चाहिए था ये ये, ये सर्कल जैसे लिखना चाहिए था ये देखो ये सर्कल में ये आर्क लेंथ लगता था ऐसा है ना ओके तो यहां पे थीटा का फार्मूला आर्क लेंथ कौन सी है बी डिवाइड बाय ये रेडियस बन रहा है ना उसका ये रेडियस जैसे रेडियस इसका तो ये डी है बेटा ऐसा कंसिडर करो तो ये डी निकालना है तो बी बाय थीटा ऐसे डिस्टेंस आर से सन का डिस्टेंस निकाल सकते आप लोग ओके राहुल देखो बेटा हार्ड नहीं है अगर आपने इंटरेस्ट लिया तो हार्ड नहीं जाएगा समझे क्या यार ये चीजें हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते जैसे राहुल बोल रहा है कि सर केमिस्ट्री लेक्चर रियल फिजिक्स इज वेरी गुड है देखो राहुल क्या होता है यही तो हमारे पास निगेटिव थिंकिंग है हम लोग ये एक्चुअली करते नहीं ना गिनते नहीं ये चीजें तो आपको बोर लगेगा ये लेकिन पैरलेक्स के वजह से अपरेंट पोजिशन दिखता है ना यस पैरलेक्स पोजिशन के कारण ओके चलो आगे बढ़ते हैं यार जैसे डिस्टेंस इसके बाद में हम लोगों को साइज निकालना है कोई तो साइज का भी वही फार्मूला है देखो आपके पास ये आर्थ है. यहां से बंदा देख रहा है इस टर्मिनल पे एक इस पे आप यहां पे भी क्या करोगे एंगल का फॉर्मूला जैसे निकालो वैसे निकालो क्या करोगे बोलो अल्फा क्या करोगे बेटा ये साइज है आर्क लेंज जैसे, है आर्क डिस्टेंस आपको इसकी साइज निकालना है तो क्या करोगे डी इज इक्वल टू तो अल्फा इंटू डी बात समझ में आ रही है मतलब इसकी डायमीटर कितनी है इसकी साइज निकाल रहे हैं हम लोग क्या निकाल रहे बेटा इसकी साइज कितनी होगी इस प्लान की आर से देख रहा हूं मतलब सिंपल जिनको सिंपल एक बात बोलो थीटा का फार्मूला जैसे फार्मूला है कि नहीं बाय रेडियस अल्फा ये है ना हमेशा तो आर्क लेथ बाय रेडियस सिंपल सिंपल फार्मूले लगाओ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको ऑल इज वेल समझ में आ रहा है आवाज नहीं आ रहा है ये है है लेंथ आ रहा है ना यार और आवाज भी बहुत ही अच्छी है देख रहा हूं मैं ओके नेक्स्ट बेटा यहां पे मेजरमेंट वेरी स्मॉल डिस्टेंस अब देखो हम लोग बड़े बड़े डिस्टेंस देख रहे थे आर से सन कितना दूर है भाई आर से मंगल ग्रह कितना दूर है शनि ग्रह मून कितना दूर है ना हम लोग ने क्या वेरी स्मॉल डिस्टेंस गिनेंगे जो कि हम लोग आंखों से नहीं देख सकते तो ऐसे डिस्टेंस गिनने के लिए हमारे पास यहां पे एक तो सिंपल सी बात होती है कि यार वर्नियर कैलिवर होती है छोटा डिस्टेंस गिनना वायर है, मेरी बाल, है, बाल का डायमीटर गिनना है तो वर्नियर कैलिबर या स्क्रू गेज होता है वर्नियर कैलिबर या स्क्रू गेज अपने प्रैक्टिकल लैब में होता है क्या आपने किया है प्रैक्टिकल बेटा प्रैक्टिकल किया है प्रैक्टिकल किया है क्या प्रैक्टिकल किया होगा तो वर्नियर कैलिवर और स्क्रू गेज से गिनते बट हम लोगों को इससे भी छोटा जो कि आंखों से दिखता नहीं है ऐसे स्मॉल चीजें गिननी है तब बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या है ना टनलिंग माई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है एक मशीन से माइक्रोस्कोप आपके लैब में भी होगा छोटे छोटे देखो दही है दही के अंदर छोटे बैक्टीरिया रहते देखना है तो माइक्रोस्कोप का यूज करो आपको दिखाई देंगे समझे समझ में आ रहा है सर आप कहां रहते हो औरंगाबाद में एक बात बोलता हूँ यार हम लोग कोई पॉलिटिशियन लीडर है क्या नहीं है कि औरंगाबाद बोलो संभाजीनगर बोलो ये बेटा हम लोग पढ़ा रहे हैं हम लोग गुरु है हमको पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं हम औरंगाबाद संभाजीनगर अमकानगर ढमका नगर कोई लेना देना नहीं हम लोग बस हिंदुस्तानी है हम लोग इंडियन है हम लोग चाहते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के बच्चे का जो सपना होगा नीट ऐसे एग्जाम को क्रैक कर इसके लिए बेसिक नॉलेज देने का काम हम लोग कर रहे हैं है ना तो डोंट बी भी भी, इसके बाद ऐसे वीमेंट मत करना देखो यार वर्नियर कैलिबर और स्क्रू इस्तेमाल नहीं किया जा सकता वेरी स्मॉल डिस्टेंस गिनने के लिए उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है प्रैक्टिकल लैब में देखना पड़ेगा आपको ठीक है चलो आगे बढ़ता हूं चलिए नेक्स्ट है बेटा वेरी स्मॉल डिस्टेंस गिनने के लिए वही चीज है मैं अभी इसके ऊपर नहीं मास कैसे गिना जा सकता देखो बेटा मास कैसे गिना जा सकता है तो मास गिनने के लिए सिंस 1889 में किलोग्राम वाज़ द मास ऑफ साइनी पीस ऑफ प्लेटिनम देखो प्लेटिनम इराडियम ऑलाय नाम का स्पेशल एक ग्लास सिलेंडर लिया गया और ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर करने के लिए उन्होंने बताया लेकिन क्या होता था पता है उन्नीस में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हुआ बेटा इसके अंदर ने क्या छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर बैठ रहे थे अब उसका मास वेरी हो रहा था उसका मास क्या हो रहा था वेरी तो ये मेथड कहीं ना कहीं यूज नहीं आ रही थी पहले क्या प्लेटिनम इला नाम का एक सिलेंडर ले लिया उसमें नहीं क्या बेटा, uh, uh, वेट चेंज होगा? होगा तो ये कहीं ना कहीं काम नहीं आ गई तो ट्वेंटी 20 में दो में इलेक्ट्रो मतलब क्या क्या बेटा कि एक कॉइल ले गया इस कॉइल को मैंने दे दिया करंट क्या दिया बेटा करंट दिया अब जैसे करंट डेरा हो जैसे करंट फ्लो करूंगा करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड टायर होती है आप अपने फैन में किसी चीज में आपको पता होना चाहिए है ना तो क्या होता था करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड टायर होना मैग्नेटिक फील्ड टायर होने से वन के जी मास जब वो अट्रैक्ट करेगा ये मैग्नेट बेटा मैग्नेटिक फील्ड टायर हो तो खिलाए तो उसको खींचेगा ये अट्रैक्ट होगा ना भैया मैग्नेटिक फील्ड आ रही तो करेगा तो अब वन के जितना मतलब एक मास जो अट्रैक्ट होता था उस करण के कारण उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से मास गिनने का डिवाइस मतलब आपको क्रेन पता है लोखंड को लोहे को उठाती है ऐसे क्रेन देखा है क्रेन क्रेन देखा होगा ना तो क्रेन एक इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रेन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लास्ट देख रहा हो बेटे हम लोग टाइम मेजरमेंट कैसे किया जाता है देखो यार पहले सबसे पहले यहां पे सोलार डे गिनते थे सोलार डे मतलब 24 आर 24 आर सेकंड में कन्वर्जन करना है तो 24 आर ये मिनट और ये सेकंड मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 86400 सेकंड था ठीक है इसको अगर 1/ सेकंड किया तो 1 सेकंड मतलब क्या होगा तो 1 सेकंड निकालना है तो 1/ 86400 मल्टीप्लाई मीन सोलर डे ये वन सेकंड निकालने का फार्मूला बनाया गया था लेकिन इससे भी अच्छा हमारे पास आजकल सिसेमिक एटॉमिक क्लॉक यूज की जाती है इसमें एक वाइब्रेशंस होते हैं और ये वाइब्रेशन जो सिसेमिक एटम प्रोड्यूस करता है वो एक सेकंड में हम लोगों ने इतना करना चाहिए 91926 थ्री वन सेवन सेवन जीरो वाइब्रेशन होना चाहिए तब वन सेकंड होता है ऐसा बोला जाता है वन सेकंड होता है ऐसा बोला जाता है ओके okay बेटा एमसीक्यूज सी तो केमिस्ट्री लेक्चर है चलो आप लोग जा सकते हैं उधर भी तो टेंशन मत देना सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस थोड़ा सा एक मिनट एक्स्ट्रा हो गया लेक्चर लेकिन कोई टेंशन नहीं यार आप अपना लेक्चर जा सकते हो वहाँ पे और लेक्चर कर सकते हैं अटेम्प्ट ठीक है तो चलो यार जाते जाते अलविदा मत कहना सब लोग बाय करके चले जाना मिलते हैं ऐसे ही लेक्चर के साथ मोटिवेशन के साथ तब तक करता हूं बाय एंड थैंक्स